लो है एक्चुअली छोटा कप है। छोटे का पोर्शन है, आपको दिखा दो इतना। देखो 3 times a day अपना हीरो नंबर 2 के लिए, ठीक है। ये डाला इसका, हीरो नंबर 1 के लिए एक पूरा कप, फिर ये आधा कप, ठीक है। 2 times a day चल। तो ये देखो ये कैसे है? इसका खाने का ड्राइव ना नेक्स्ट लेवल का है। चल आजा, चल। अभी तक इसको सिखा रहा हूं यार सब हिंदी के वर्ड्स, तो टाइम लगेगा इसको सीखने को। आ जा हीरो, चल। तो ये लोग का देखते हैं कैसा ये लोग को नए वाले फूड स्टैंड पे जलता है, ठीक है। तो इसमें पहले पानी निकाल रहा हूं, हल्दी मिक्स करने का है। जूम इट, जूम। इसको ट्रेन किया है लेफ्ट हैंड साइड पे खाने के लिए हमेशा, तो ये वाले हीरो को राइट हैंड साइड पे करने के। इस आजा तू इधर। आ आ आ नो इस, क्या कर रहा है भाई, रुक जा। दो डॉग के साथ थोड़ा यार सच्ची बताऊं काम काफी बड़े है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये वाला अभी तक पूरा ट्रेंड नहीं है, वो चक्कर में अपना एस थोड़ा रिएक्शन उसका अलग हो जाता है कभी कभी। तो ये हल्दी डाला, एस आजा तू इधर। ये लोग क्या पहले लाइन अप कर रहा हूँ, तू इधर। इधर भाई, सेट सेट सिट, बैठ जा तू। देखो ये सब कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्टे डाउन, बैठ जा, डाउन हो, डाउन डाउन, आ जा। मेहनत का काम है बॉस ये सब करना, पर क्या 10-15 टाइम करूंगा ना ये सेट हो जाएगा। चल डाउन हो जा, डाउन, स्टे स्टे। एस तू आजा इधर, एस इधर आ, एस आजा, अभी आने का नहीं है हीरो को। एस आजा खाने का, तू इधर आ। मेरे को क्या, मेरे को चाहिए कि ये हीरो इसके बाजू में खावे, तो क्या ये अपना मेन नंबर 1 वाला हीरो यूज टू होएगा इसके आजू बाजू खाने के लिए, ठीक है। चल आ जा। प्रॉब्लम क्या है, इसको मेरे को स्लो स्लो खिलाने का है, क्योंकि ये ना इसे टूट पड़ता है खाने के ऊपर। आ जा, पर एट द सेम टाइम थोड़ा मेरे को चलेगा ये, इसे टूट पड़ेगा तो, क्योंकि क्या एस यूज टू होगा फिर उसके उसके साथ। आजा आजा भाई, एस तो अपने खा, नो अपने खा, तो 2-4 पीस खिला दो इसको, और उसके बाद में मैं इसको इधर लेके आता हूँ। क्या अभी तक इसको सब बराबर समझा सका नहीं हूं कि मैं क्या बोलता हूं तो वो क्या करे, वो चक्कर में अपना एस भी ऐसे कभी कभी चांस मार लेता है। तो एक क्वेश्चन मेरे को आपका अभी कल के वीडियो में आया था कि एक एक पीस करके क्यों खिला रहा हूं,
क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसको जब ये खाना दे रहा हूँ ना, ये जैसे खाने पे ऐसे टूट पड़ता है ना, तो ये ऐसे पूरा ऐसे अंदर लेते आता है, बिना बिना एनी क्या बोलते हैं उसको, बाइट नहीं मार रहा है उसके ऊपर, खाली उगलते बोलते ना जैसे वैसे कर रहा है, तो उसका क्या खाना बराबर डाइजेस्ट होएगा नहीं। दूसरा, क्योंकि ये इतना ओवर एक्साइटेड है, मेरे को चाहिए ये थोड़ा स्लो डाउन हो गए खाने के मामले में, जैसे आपको दिख रहा है इसका, तो इसको मैं इसे बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसका ड्राइव इतना हाई है ना खाने के मामले में, इसको मैं कितनी ट्रिक सिखाऊंगा ना, ये मस्त सीख जाएगा। अभी तक ये समझाया है, नो देखते, नो तो रूल ये बनाया है कि 10 टाइम एटलीस्ट ये फेंकूंगा, नो जब भी इसको खाना खिलाता हूं तो क्या ये समझ जाएगा कि ऐसे जमीन से नहीं बोलूं खाने के लिए तो नहीं खाने, तो हर टाइम तो अभी तक पास नहीं होता हूं, पर ट्राई करो जब इधर इसको एकदम ऐसे एकदम क्लिक हो जाओ। एस को एक टाइम करूंगा ना, अपना एस तो फुल्ली ट्रेंड है इस सब मामले में, और क्या दो अलग अलग पर्सनालिटी के डॉग्स है। जब भी एस इतना छोटा था ना, ये इसे इतना ओवर एक्साइटेड नहीं था खाने के मामले में, हो सकता है जिसने इसको पहले रखा था, आई मीन जो उनसे घर से आया है उसको बराबर वो लोग ने खाना दिया नहीं होगा, आई मीन देयर इज सम रीजन कि ये ऐसे हो रहा है, या मे बी नेचुरली बहुत सारे पपीज होते होंगे। Yes, आजा। No, अपना खा भाई, अपना खा, इधर ले। तो मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं इसको ऐसे एनकरेज कर रहा था एस के बोल में से आके खाने के लिए, तो उसका मेन पर्पस ये था। इसके साथ क्या हुआ है मालूम है, ये जहां से आया है ना वहां दूसरे डॉग्स ने इसके ऊपर ऐसे काइंड ऑफ इसको डोमिनेट करने को ट्राई किया, जिससे मैंने लिया ना उसने मेरे को बोला कि दूसरे जितने भी डॉग्स थे सब इसको बुली कर रहे थे, तो मेरे को चाहिए था इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और दूसरा क्या एस के सामने एज लॉन्ग एज मैं रहता हूं ना मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि वो मेरे को देख के सब चीजें करता है, तो इसका मेरे को इतना डर नहीं है वो मामले में। डाउन अप, डाउन डाउन डाउन। तो आप भी जब भी ट्रेन करोगे गिव अप नहीं करना, ठीक है, ये सब मेहनत का काम है। डाउन चो आपका डॉग भी फुल ट्राई मारेगा, जैसे अभी देखा कितना टाइम इसने मेरे को कराया है, इसको ऑलरेडी सिखा दिया उसके बावजूद। नो नो तो अगर आप सोच रहे हैं हल्दी क्यों डालता हूं खाने में, तो हल्दी से ये लोग के पेट में जो वर्म्स होते हैं ना, जब ये लोग अनलोडिंग करते वो निकल जाते, एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी थिंक। हम लोग ने एस के साथ भी सेम किया, तो इसके लिए एस के तो इसमें है नहीं, यूजली पपीज में होते हैं क्योंकि दे गेट इट फ्रॉम देयर मदर, ठीक है, पर इसको हम लोग ने इसे आदत ही डाल दी है हल्दी खाने की। डाउन अप, डाउन, गुड बॉय। आजा, लगता है अपना एस का हो गया, खा पी गए जैसे दिख रहा है अभी, देखो एस ऐसे मस्त बैठ गया हीरो, पर इवेंचुअली तो मेरे को चाहिए एटलीस्ट फ्यू टाइम्स ले लो एक ही बोल में से खावे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लो की बॉन्डिंग बने ली रहे, और
यूजली ऐसे क्या वो अल्फा डॉग है, ठीक है, पर ये केस में मैं अल्फा हूं, तो वो वाला डॉग विल लुक अप टू मी जब भी मैं अराउंड होऊंगा। अभी अगर मैं नहीं हूं और मैं कभी एनकरेज नहीं करूंगा अगर मैं अराउंड नहीं हूं कि ये लोग दोनों सेम बोल में से खावे। इसमें पूरा पर्पस ही खाली ये है कि ये लोग की एक मस्त बॉन्डिंग हो। नो, और ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ यूज टू हो। मस्त डॉग है यार, वॉक पे भी इसको लेके आते एकदम साथ में मस्त मस्त चलता है, मजा आता है इसके साथ। रनिंग में ये मेरा फुल साथ देने वाला है। आई थिंक ये हीरो को मैं रन कराऊंगा ना, तीन तीन चार चार माइल मेरे साथ आराम से ये करेगा। बस गाइस, तो बस ये व्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे ट्रेन करते जाऊँगा, आप लोग बोल रहे हैं बनाते जाऊँ तो मैं बनाते जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम मेरे ट्रेनिंग में भी मिस्टेक होगी क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, यू नो नाउ। फुल चांस मार रहे पर गिव अप नहीं करने का। देखा, आ गया ना लाइन पे। तो ओके गाइस, ये व्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। जो भी चाहिए होगा आप लोग को, मैं जिस पे वीडियोस बनाऊँ मेरे को आप लोग बताना। टेक केयर, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।